Assalamu alaikum, namaste, sasriya kal, welcome back to my another video and I hope you all are doing great. So dosto, aaj hum video dekhenge aur ye video hone wali hai 1971 se related aur India aur Pakistan ki ek war hui thi aur wo war ek matlab ki history create karti hai. तो इससे रिलेटेड हमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि नहीं मालूम और यकीनन आप लोगों को भी नहीं मालूम होंगे, तो आज उसी को ही हम इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं. तो इसमें 54 जो सोल्जर्स हैं वो मिसिंग हैं इंडियन और 1971 की वॉर के बाद से. सो वही इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि ये 54 सोल्जर्स जो हैं वो क्यों मिसिंग हैं और उनका क्या बनता है, क्या हुआ सिनेरियो, वो सब कुछ हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे. तो ये चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं. ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास भी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा. बाकी हिस्ट्री के साथ तो हमें जुड़ना ही चाहिए हर हाल में, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे पास्ट में क्या हुआ है. सो चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट कर लेते हैं. सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहां से आप ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकते हो. सो चलते हैं वीडियो की तरफ और कहते हैं सो लेट्स स्टार्ट. सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए. हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में. 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में तो आप में से हर कोई अच्छे तरीके से जानता होगा. जी हाँ, वही वॉर जिसमें हमारे निकम्मे पड़ोसी ने वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर का रिकॉर्ड बनाया और जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडियन मिलिट्री के शौर्य और पराक्रम के आगे अपने घुटने टेक दिए और एक ऐसा वॉर जिसमें जन्म हुआ एक नए देश का, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं. और जिन भी लोगों को इस 1971 वॉर के बारे में जानकारी है, उनसे अगर आप इस वॉर के बारे में कुछ जानना चाहेंगे तो आपको ये तो जरूर जानने को मिलेगा कि इस वॉर में हमने कितनी शानदार जीत हासिल करी, इस वॉर में हमने क्या हासिल किया. लेकिन बहुत कम होंगे जो इस बारे में भी बात करेंगे कि इस वॉर में हमने क्या खोया है. तो चलिए आज क्यों ना हमें इस पर कुछ बात करें. और वैसे भी 1971 वॉर के 50 साल पूरे होने पर हमारे देश में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है और इसलिए हमें लगता है कि इस मौके पर हमें हमारे उन 54 सैनिकों के बारे में भी बात करनी चाहिए जो 1971 वॉर के दौरान प्रिजनर ऑफ वॉर की तरफ पाकिस्तान द्वारा बंदी बनाए गए थे. और ये हमारे वो 54 बहादुर सैनिक हैं जो आज तक हमें कभी वापस ही नहीं मिले. तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि ये 54 सैनिक कौन थे, इनके साथ क्या हुआ और क्या ये आज भी अलाइव हैं या नहीं. और इस पर हम आपको जो भी जानकारी देंगे वो अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर होगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. तो जब 1971 वॉर के दौरान पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तो फिर उसके बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली पूर्वी पाकिस्तान से और बांग्लादेश एक संप्रभु राष्ट्र की तरह उभर कर सामने आया. लेकिन इस वॉर में हमारे करीब 3800 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिसमें परमवीर चक्र से सम्मानित फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सैखों जैसे वीर बहादुर योद्धा शामिल थे. और जबकि इसी युद्ध के दौरान पाकिस्तान की तरफ करीब 9000 के आसपास कैजुअल्टीज हुई थी और जबकि 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स प्रिजनर ऑफ वॉर के तहत बंदी बनाए गए थे. लेकिन इसी युद्ध के दौरान हमारे भी 54 ऐसे सोल्जर्स थे जो पाकिस्तान ने भी प्रिजनर ऑफ वॉर के तहत बंदी बनाए थे. लेकिन फिर युद्ध खत्म होने के करीब 8 महीने बाद 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 2 जुलाई 1972 में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ, और जो कि किसी पीस ट्रीटी एग्रीमेंट से कहीं ज्यादा था, क्योंकि इसमें कोशिश ये की गई थी कि जो 1971 वॉर के दौरान दोनों देशों को परिणाम मिले उनको किसी तरीके से रिवर्स किया जा सके. यानी कि कुल मिलाकर इसमें दोनों देशों की ट्रूप्स और प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि जो सैनिक बंदी बनाए गए थे उन्हें एक्सचेंज करना था, ताकि दोनों देशों के सोल्जर्स अपने अपने घर जा सकें. और फिर इसी एग्रीमेंट के चलते ही भारत ने जो पाकिस्तान के 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को बंदी बनाया था उन्हें रिहा कर दिया गया. और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के इसी फैसले पर उनकी काफी निंदा भी की गई, क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अगर चाहती तो उसी समय कश्मीर वाले मुद्दे को अपनी शर्तों के अनुसार सुलझा सकती थी, लेकिन उन्होंने ये मौका अपने हाथ से गंवा दिया. और इस समझौते के तहत 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को रिहा करने के बाद उस समय भारत सरकार ने तब भी उन 54 भारतीय सैनिकों को वापस लाने को लेकर ऐसा कोई भी समझौता नहीं किया. लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जाता है कि हमारे ये 54 सैनिक जिंदा हैं और पाकिस्तान की गिरफ्त में हैं, इस बात का पता भी काफी देर में चला था. लेकिन 1971 वॉर के बाद जो ये सोल्जर मिसिंग थे उनको लेकर 1979 में
लोकसभा में एक लिस्ट जारी की गई और इस लिस्ट में करीब 40 सैनिकों के नाम थे और इस सूची में उन जेलों के बारे में बताया गया था जहां इन सैनिकों को रखा गया है और इस सूची में फिर बाद में 14 और नाम जुड़ गए थे। यानी कि इस तरीके से हमारे टोटल 54 मिसिंग सोल्जर्स का नाम इस लिस्ट में आया था। हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये मानना था कि उनके वहां कोई भी भारतीय कैदी है ही नहीं, लेकिन जब बाद में पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो की सरकार आई तो उन्होंने ये बात मान ली थी कि पाकिस्तान की जेलों में भारतीय सैनिक बंद हैं। लेकिन फिर जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ बने तो उन्होंने फिर से भारतीय सैनिक के जेल में होने की बात को खारिज कर दिया। और चूंकि हमारे इन 54 सोल्जर्स का कभी कुछ पता लग ही नहीं पाया तो फिर इसके चलते इन्हें 1971 वॉर में मिसिंग इन एक्शन या फिर किल्ड इन एक्शन का स्टेटस दे दिया गया और इन 54 सोल्जर्स को द मिसिंग 54 भी कहा जाता है। लेकिन कई आर्मी वेटरन्स ये मानते हैं कि हमारे ये 54 सोल्जर्स अभी भी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं और उनका ये भी मानना है कि इनमें से हो सकता है कि कईयों की शारीरिक और मानसिक हालत काफी खराब हो और कईयों की इसके चलते मृत्यु भी हो चुकी हो। और इन 54 सोल्जर्स में इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के सोल्जर्स शामिल हैं। हालांकि ऐसे कई सारे सबूत हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि हमारे 54 सोल्जर्स पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। जैसे कि ऐसा कई बार हुआ है कि जो सैनिक बंदी बनाए गए थे उनमें से कुछ के फैमिली मेंबर्स को किसी को खत मिलता है तो किसी को अन्य चीजें जैसे कि किताब आदि इसके सबूत मिलते रहते हैं। और जबकि एक एविडेंस ये भी है जिसमें 1974 में मेजर अशोक सूरी जो इन 54 मिसिंग सोल्जर्स में शामिल हैं इनका भी एक लेटर पाकिस्तान से आया था और इस लेटर में उन्होंने अपने जिंदा होने की बात कही थी। और ये हैरान कर देने वाला मामला इसलिए था क्योंकि सेना उनके नाम को किल्ड इन एक्शन में घोषित कर चुकी थी, यानी कि ये मान लिया गया था कि वे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। इसी तरह 1975 में भी कराची से एक पोस्ट कार्ड आया और इसमें भी 20 भारतीय सैनिकों के जिंदा होने की बात की गई थी। फिर 1980 में आई विक्टोरिया सोफेल की किताब भुट्टो ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन, इसमें भी एक ऐसी जेल का जिक्र किया गया है जिसमें भारतीय सैनिक कैद थे और जितने भी युद्धबंदी सैनिक हैं इन सभी के परिवारों ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मदद की गुहार भी लगाई थी। और इन सभी के परिवार कई बार सरकार को लेटर लिख चुके हैं लेकिन आज तक हमारे इन सोल्जर्स को वापस लाने के लिए ऐसा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। और जबकि इन मिसिंग सोल्जर्स के परिवारों के सदस्य ये भी मानते हैं कि उस समय भारत सरकार इन सैनिकों को वापस लाने के लिए अपने कार्य में कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि ऐसा नहीं है कि उस समय भारत सरकार ने इन सैनिकों को लेकर कोई मुद्दा नहीं उठाया था। भारत के सरकार ने कई बार पाकिस्तानी सरकार को इनके बारे में बात की है लेकिन कभी भी वो बात कामयाब नहीं हो पाई और उसका कभी भी कोई भी सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला। और एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि हमारे इन 54 सैनिकों के वापस ना आने का कारण ये भी है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की कमी और इसके चलते ही उन सोल्जर्स को यातनाएं झेलनी पड़ी होंगी। अब इसके लिए विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान वाले मामले को ले सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जब वे अपने MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को शॉट करने के बाद पाकिस्तान के क्षेत्र में इजेक्ट हो गए थे तो थोड़ी देर बाद ही सोशल मीडिया पर उनकी कई सारी वीडियोस भी वायरल हो गई थी और उन वीडियोस की वजह से ही भारत के पास पूरे पूरे सबूत थे कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान के ही पास हैं। और ये मामला तुरंत ही प्रेस में आ गया था और ये एक ऐसा ठोस सबूत था जिसके चलते भारत सरकार पाकिस्तान पर अपना पूरा प्रेशर बना सकती थी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को छोड़ने के लिए। और वैसा हुआ भी, पाकिस्तान को मजबूरी में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को भारत को सौंपना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके साथ क्या परिणाम हो सकता था, क्योंकि माथे पर पसीना आना और पैर कांपना ऐसे ही नहीं होता है। नंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। लेकिन जब 1971 वॉर की बात होती है तब ऐसे कोई स्मार्टफोन नहीं होते थे, इस तरह का कोई सोशल मीडिया नहीं होता था जहाँ पे इस तरह की कोई इम्पोर्टेंट न्यूज तुरंत ही वायरल हो जाए और हमारे पास एक सबूत रहे ऑन रिकॉर्ड। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत सरकार उन सोल्जर्स को वापस ला ही नहीं सकती थी। असल में हमारा मानना यह है कि उस समय भारत सरकार ने थोड़ी और पॉलिटिकल विल दिखाकर पाकिस्तान पर और दबाव बनाया होता तो हमारे 54 सैनिक मिसिंग नहीं होते। लेकिन सरकार ने न केवल इन सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को इग्नोर किया बल्कि इन सभी के परिवारों की इस आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया जिसको लेकर वे बैठे थे कि वे किसी न किसी दिन घर वापस आएंगे। हालांकि इन 54 सोल्जर्स की फैमिलीज आज भी इसी कोशिश में लगी है कि इन्हें किसी तरीके से वापस लाया जाए क्योंकि अभी भी उन्हें पूरा भरोसा है कि वे अभी भी पाकिस्तान की कैद में हैं और जिंदा हैं। और जबकि अभी जब 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई तब उस समय भी भारत सरकार से पूछा गया कि क्या ये 54 भारतीय युद्ध बंदी अभी जिंदा हैं, तो इसके जवाब में सरकार का ये कहना था कि उन्हें इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। और उनका ये भी कहना था कि हमारा ये अनुमान है कि इन 54 सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से इन सैनिकों के उनके कैद में होने से इनकार करता आया है, लेकिन ये केवल एक अनुमान था, स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था। हालांकि जब एक सवाल किया गया कि भारत इस प्रिजनर ऑफ वॉर वाले मैटर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं ले गया तो इसके जवाब में भारत सरकार ऑफिशियल का ये कहना था
कि भारत खुद से उन मामलों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सबमिट नहीं कर सकता है जिनका नाता भारत और पाकिस्तान के बीच किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से है। हालांकि कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये भी दावा किए गए हैं कि जो 54 मिसिंग सोल्जर्स हैं उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ 54 नहीं है बल्कि वो 13 से 15 ही है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जब 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को रिहा किया गया था तो उसके बदले में भारत सरकार को भी भारत के मिसिंग सोल्जर्स की वापसी के बारे में बात करनी चाहिए थी। और जबकि एक दावा ये भी है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को रिहा इसलिए किया था क्योंकि वे पाकिस्तान के कैद में मौजूद बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को वापस लाना चाहते थे। क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री को इस समय इस बात की चिंता थी कि बांग्लादेश भले ही आजाद तो हो गया है लेकिन वहां एक लीडर की कमी है क्योंकि बिना लीडर के बांग्लादेश भारत के लिए एक बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता था और इसलिए वहां के लिए एक अच्छे लीडर की जरूरत थी। और इसी वजह से उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हर हाल में बांग्लादेशी लीडर शेख मुजीबुर रहमान को वापस जिंदा लाना चाहती थी। वैसे जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन के तौर पर जाना जाता है और वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति हैं और फिर बाद में प्रधानमंत्री बने थे। और ये भी कहा जाता है कि इनकी रिहाई के लिए जो पाकिस्तान के साथ बात हुई थी वो बैक चैनल्स के माध्यम से हुई थी। और फिर जब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति ने शेख मुजीबुर रहमान की सजाए मौत को कैंसिल करके उन्हें रिहा करने का फैसला लिया तो फिर उनकी रिहाई के करीब 8 महीने बाद भारत सरकार ने भी 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स को रिहा करने का फैसला कर दिया था जो कि शिमला एग्रीमेंट के तहत हुआ था। खैर ये एक अलग तरह का दावा है और ऐसे ही कई अलग अलग तरह के दावे होते रहते हैं। पर जो सच है वो ये है कि हमारे जो 54 सैनिक हैं जो मिसिंग हैं और जिनके परिवार आज भी दावा करते हैं कि वो अभी भी पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं तो भारत सरकार को हर संभव कोशिश करनी चाहिए उन्हें वापस लाने की। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को तो लाइक जरूर करें लेकिन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक भारतीय को हमारे इन 54 वीर बहादुर योद्धाओं के बारे में पता होना चाहिए जो कभी भी घर लौटकर नहीं आए और जिनके घर आने की उम्मीद में आज भी उनके परिवार दिन रात उनका इंतजार कर रहे हैं। बाकी आपका कोई भी सुझाव हो कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन ओपन है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फोर सोल्जर्स जिनको यहाँ पर उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ मतलब कि 1971 में जो वॉर हुई थी उसमें बांग्लादेश को आज़ाद करार लिया था लेकिन 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो थे उनको भी सरेंडर कर दिया था। उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया था क्योंकि वो वॉर हार चुके थे, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो इंडियन आर्मी को उन्होंने जो है वो अपने आप को कर दिया था। लेकिन उसके बाद की अगर हम स्टोरी देखते हैं तो बहुत सारी फैक्ट्स हैं जैसे कि अब वो सरेंडर जो किए थे तो वो 93,000 आर्मी जो थी पाकिस्तानी उन लोगों को सरेंडर करने के बाद फिर उन लोगों ने सिग्नेचर करके अपने आप को रिहा करवा दिया था। तो उसके बाद 54 जो इंडियन आर्मी के जवान थे तो उन्होंने अपने आप मतलब वो पाकिस्तान की कैद में चले गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये भी उठता है कि अगर 54 जो है वो सोल्जर्स हैं इंडिया के पाकिस्तान के पास तो जब 93,000 सोल्जर्स पाकिस्तानी आर्मी जो है वो उनको अरेस्ट किया गया था मतलब सरेंडर किया गया था तो उस टाइम पर इन्होंने क्यों नहीं डिमांड की वो 54 जो सोल्जर हैं उनके लिए। इंडिया को डिमांड करनी चाहिए थी उस टाइम पर, इंदिरा गांधी जो हैं वो इस चीज़ को हाईलाइट कर सकती थी। कांग्रेस पार्टी मतलब कि कांग्रेस शुरू से ही इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रही है जो कि चीज़ें सही थी ही नहीं। तो खैर ये मामला तो बड़े ही अजीब व गरीब है कि एक चीज़ कंटिन्यूसली चल रही है और गवर्नमेंट जो है उस टाइम की उसने इस चीज़ के ऊपर गौर ही नहीं किया और वो 54 जो सोल्जर्स हैं वो बेचारे पाकिस्तान की गिरफ्तारी में रहे और उनकी फैमिली की बड़ी हिम्मत है कि वो ब्रेव इतनी हिम्मत वाले हैं कि उन्होंने इस चीज़ को एक मेंटली रेडी थे और एक्टिव थे और उन्होंने इस तरह की कोई भी एक्टिविटी को जो है वो ज़्यादा नहीं किया। तो खैर ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि वीडियो काफ़ी मतलब कि ऐसे फील हो रहा था कि एक फैमिली जो कि इंतज़ार में बैठी है अपनी
प्यारे प्यारों के लिए, जो जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी अपनी जिंदगी को एक कंट्री को आज़ाद करने में, और आज़ाद के बाद मतलब कि जाहिर सी बात है उन्होंने कंट्री के लिए ही फाइट किया था, वॉर में आए थे, तो उस टाइम उन्होंने कितनी कोशिशें की, अपनी जान को रिस्क में रखा और आज तक वो मतलब रिहा नहीं हो पाए, इस आज़ादी को सेलिब्रेट नहीं कर पाए और दूसरा उस वॉर को सेलिब्रेट नहीं कर पाए जो वो लोग जीते हैं। तो वो बेचारे अब तो खैर बुजुर्ग हो गए होंगे, उन लोगों की भी पता नहीं क्या हुआ होगा, काफ़ी तो मर चुके होंगे, काफ़ी एक कुछ बच्चे होंगे तो वो भी मतलब कि काफ़ी जाहिर सी बात है सालों गुजर गए, मेरे ख्याल तो सारे मर ही गए होंगे, बच्चा कौन होगा, सोचने वाली बात है। और अगर बच्चा भी होगा तो मुझे लगता है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है उनको इस पे फैसला करना चाहिए और उनको रिहा करवाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम देखें तो मौजूदा कंडीशन जो अभी करंट सिचुएशन है, उस टाइम पर जब अभिनंदन भारत से पाकिस्तान आए थे और उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया था और वो जो है उन्होंने उनको जो है वो पाकिस्तानी आर्मी ने हैंड ओवर कर लिया था, लेकिन उसके बाद देखो इंडियन गवर्नमेंट की इतनी पावर थी कि वो पाकिस्तान से वो उनको बिना किसी नुकसान के वो उनको लेकर जाएं, उनको उनकी उनको सेफ्टी के साथ। दूसरा पाकिस्तान की भी आर्मी ने एक अच्छा कदम उठाया था कि उन्होंने उनको कुछ भी कहा नहीं और हॉस्पिटैलिटी की, चाय वाय पिलाई, और जो कि अभी भी चाय के नाम से बड़ा फेमस है कि टी वॉज फैंटेस्टिक। खैर ये अच्छी बात है कि उनका हौसला अफजाई करवाई, लेकिन इस वीडियो में जो दिखाया कि वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो है वो उसके ऊपर अभिनंदन जी की वीडियो के ऊपर ही डिस्कशन चल रही थी, तो मैं ये कहूँगी कि देखो पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें अब पॉलिटिक्स का जो भी रोल होता है वो तो अपना ही होता है, हर कोई अपने आप अपना सितारा चमकाने की कोशिश में होता है। सो मैं इस बार पे बिल्कुल नहीं एग्री कि ऐसा कुछ है कि अभिनंदन जी को छोड़ने के पीछे इतना इन लोगों की कंडीशन बुरी हो गई थी कि उन लोगों की जो है वो जिस तरह के इन्होंने स्टेटमेंट दी है। तो खैर ये एक पीसफुल एक्ट था और मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन अगर 1971 में अगर इंदिरा गांधी भी इस तरह का कोई एक्टिविटी कर लेती तो मुझे लगता है कि शायद वो 54 जेल में नहीं होते, वो आज़ाद होते, या 93 जो सोल्जर्स हैं उनको छोड़ने से पहले उनको जो है पहले डिमांड करते 54 को रिहा करने की, तो आई थिंक ये वो भी ज़्यादा बेस्ट रहता। तो आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मुझे तो सच में बताऊँ तो मुझे पहली बार ही इस वीडियो को देख के आइडिया हुआ है कि यहाँ पर 54 मतलब पाकिस्तान में 1971 की वॉर के जो बहादुर ब्रेव सोल्जर्स हैं वो आर्मी हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में कैद हैं, और खैर अभी तो उनका पता ही नहीं है कि वो क्या है उनका क्या नहीं है, लेकिन बस ये है कि आई होप कि अगर वो हैं तो उनको आज़ाद करवा दिया जाए, और अगर नहीं है अभी उनकी डेथ हो चुकी है तो बस यही कहूँगी कि उनकी उनकी फैमिली को जो है वो जितना भी अप्रिशिएट किया जो उतने कम है कि उनका एक ब्रेव और बहादुर जो घर के हैं उन्होंने कंट्री के लिए अपनी लाइफ को सर्व कर दिया। सो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हाँ मेरा न्यू व्लॉग आ गया है उसाइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर, सो ज़रूर जाएँ और वॉच करें, मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।